गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट, वेलकम टू आवर वेलकम टू अवर मैथ सेशन. स्टूडेंट, ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 138. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू कंसेप्ट टेलिंग टाइम टू 5 मिनट्स. अब देखो 5 मिनट्स में टाइम कैसे बताते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है. देर आर 12 बिग डिविजन्स ऑन द फेस ऑफ अ क्लॉक. डिविजन्स मीन्स क्या? क्लॉक के फेस पे ऐसा देखो, ये जो ऐसे लाइन्स होती है ना छोटी छोटी, तो इसको क्या बोलते हैं? डिविजन्स बोलते हैं, ठीक है. सो ये टोटल कितने होते हैं? हर एक इस पे नंबर के बीच में एक एक मीन्स 12 डिविजन्स होते हैं, है ना. ये बिग डिविजन्स होते हैं, बिग. और ये जो छोटे वाले होते हैं बीच में मिडल वाले, वो क्या होते हैं? स्मॉल डिविजन्स होते हैं, है ना. तो इनको डिविजन्स बोलते हैं. इफ यू लुक केयरफुली यू विल फाइंड दैट देयर आर 5 smaller डिविजन्स बिटवीन 2 consecutive. अगर आपने केयरफुली देखा है तो 2 नंबर्स के बीच में से छोटे छोटे 5 consecutive डिविजन्स आते हैं, ओके. ईच स्मॉल डिविजन रिप्रेजेंट अ मिनट. वो एक डिविजन का मतलब क्या होता है? एक मिनट होता है. इन 1 आवर द मिनट हैंड गोज वंस राउंड द क्लॉक कवरिंग ऑल द 60 डिविजन. अब देखो क्लॉक में जब 1 आवर होता है, सपोज यहाँ पे 1 बजे है, 12 बजे है, तो आवर हैंड ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक आएगा, तो मिनट हैंड भी यहाँ से यहाँ तक आएगा. तो 1 आवर में वो जो 60 मिनट्स का हमारा मिनट हैंड घूमता है, वो हर एक डिविजन को कवर करता है, एक एक डिविजन पे हो जाता है ना. डायरेक्टली 5 मिनट्स पास हो जाते हैं क्या? नहीं, है ना. सो देयरफॉर 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स, ओके. अब देखो यहाँ पे इस क्लॉक में कितने मिनट्स हुए हैं? 5 मिनट्स हुए हैं. 12 बज के 5 मिनट्स, हर एक 2 नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स, 5 डिविजन होते हैं, तो उसको एक एक डिविजन को 1 मिनट बोलते हैं, है ना. यहाँ पे कितने हुए हैं? 15 मिनट्स हुए हैं. यहाँ पे 30 मिनट्स हुए हैं. यहाँ पे 45 मिनट्स हुए हैं, ओके. द एडजॉइनिंग क्लॉक शोज 2:55. ये जो क्लॉक है वो क्या टाइमिंग दिखा रही है? 2:55. तो कैसे मिनट्स 12 से काउंट करने हैं? 12 और 1 के बीच के 5, 1 और 2 के बीच के 5. सो 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 5 = 20, 20 + 5 = 25, 25 + 5 = 30, 30 + 5 = 35, 35 + 5 = 40, 40 + 5 = 45. यहाँ पे 45 + 5 = 50 और 50 + 5 = 55, ओके. सो कितने मिनट्स हुए? 12 से मिनट्स काउंट करना है. 5 मिनट्स 2 नंबर्स के बीच में, तो 25 मिनट्स. तो 2:25 हुए हैं. दिस मीन्स दैट आफ्टर 5 मिनट्स द टाइम विल बी 3. इसका मीनिंग क्या है? आफ्टर 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स होने के बाद टाइम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. एग्जैक्ट 3 o'clock टाइमिंग हो जाएगा. सो वी कैन से दैट द टाइम इज 5 मिनट्स to 3. तो ऐसे टाइमिंग को हमें क्या बोलना है? 5 मिनट्स to 3. 3 बजने को 5 मिनट्स बाकी है, ओके. और अगर ये 5 मिनट्स इधर हो जाते तो हम क्या बोलते? 5 मिनट्स past 3. 3:05 हो गए हैं, बाकी है तो 2 बोलना है, ठीक है. 5 मिनट्स to 3, लाइक दैट. अब देखो द क्लॉक शोज 3:05, जो मैंने अभी अभी बताया आपको. सपोज क्लॉक में 3:05 हुए हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? दिस मीन्स दैट 5 मिनट्स हैव पास्ड सिंस 3, मतलब 3:05 हो चुके हैं. तो इस टाइम को हम कैसे बोलेंगे? वी कैन से दैट द टाइम इज 5 मिनट्स past 3. इसको बोलेंगे 5 मिनट्स past 3. अगर 5 मिनट्स बाकी है तो क्या बोलेंगे? 5 मिनट्स to 2:03. हो चुके हैं तो पास 3, नहीं हो चुके हैं तो 2:03, ओके. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. देन यहाँ पे देखो हमें एग्जांपल दिए हैं टाइम्स के कुछ. एक्सप्रेस टाइम इन टू वेज, दो वे में टाइम लिखना है. एक तो नंबरिंग में टाइम लिखना आना चाहिए आपको, और एक तो वर्ड में, ओके. सो नंबरिंग में कैसा लिखना है? जो आवर होते हैं ना वो पहले लिखने हैं, कितने घंटे हुए हैं, और बाद में कोलन का साइन कंपलसरी देना है. जो 2 डॉट्स होते हैं ना, इसको कोलन का साइन बोलते हैं. और बाद में जो मिनट्स होते हैं वो लिखने होते हैं, है ना. और वर्ड में तो आपको पता ही है. अब देखो यहाँ पे 6 बजे है, तो यहाँ पे पहले 6 लिखना है, देन कोलन देना है. तो कितने मिनट्स हुए हैं? 5, 10, 15, 20. 20 मिनट्स हुए, तो 6:20, 6:20 o'clock, ऐसा है टाइम हुआ है. अब वर्ड में कैसे लिखोगे? 6:20 हो चुके हैं, है ना. तो कैसे लिखोगे आप? 20 मिनट्स past 6. कैसे लिखोगे? 20 मिनट्स past 6. देन नेक्स्ट 5:25, तो 5:25 आपको ऐसे लिखना है, 5:05, ठीक है. आवर इस साइड में, मिनट्स इस साइड में, और इसको आप कैसे रीड करोगे? यस, 25 मिनट्स past 5, 5:25 हो चुके हैं, है ना. देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है? 6:50 हो चुके हैं.
सो 12 से आपको मिनट्स काउंट करने को बोला है मैंने, है ना। सो 6:50 हुए हैं तो 6:50 आपको ऐसे लिखना है। और आप वर्ड में कैसे लिखोगे, 10 minutes to 7, मतलब 7:10 बाकी है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू के वीडियो में, जब आप क्वार्टर पास्ट बोलते हो, लिखते हो कोई भी नंबर का, तो आपको जो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में आवर हैंड हो उसमें से स्मॉलर नंबर लेना है। और अगर आप क्वार्टर टू लिखते हो तो जो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स है उसमें से बिगर नंबर लेना है। इसलिए यहाँ पे 6 और 7 में से 7 लिया गया है। ओके, 10 minutes to 7। देन ये 9:45 मीन्स 15 minutes to 10, 10:15 बाकी है। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व अवर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 10.2। 4:10 तो आपको ये टाइम दिखाना है, 4 के आगे थोड़ा सा आवर हैंड निकालना है। और 10 मिनट्स कहाँ पे दिखाएंगे आप, 12 से अगर मिनट्स काउंट करते हैं तो ये 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स, मिनट हैंड आपको 2 पे क्या करना है, यस मिनट एड आपको 2 पे निकालना है। ठीक है, ये आप कर दो। देन 7:15 मीन्स क्वार्टर पास 7, तो 7 के थोड़ा सा आगे नॉर्मल आवर हैंड निकालना है। और 15 मिनट्स कहाँ पे आएंगे, यस 3 पे आएंगे, तो ये भी आप कर दो। देन नेक्स्ट 5 minutes to 4, 4:05 बाकी है। इसका मीनिंग क्या है, 4:05 बाकी है, मतलब हमारा आवर हैंड कहाँ पे आना चाहिए, 3 और 4 के बीच में। और मिनट हैंड कहाँ पे आना चाहिए, 11 पे। ओके, ये टाइम क्या हुआ, 5 minutes to 4, 4:05 बाकी है ना। दैट मीन्स आफ्टर 5 मिनट्स द टाइम विल बी 4। ओके, देन नेक्स्ट 10:03, ये तो आपको पता है, पास मीन्स क्या, गुजर चुके, हो चुके हैं, तो 3:10 हो चुके हैं, तो 3 के थोड़ा सा आगे आवर हैंड निकालना। और 10 मिनट्स हमारे कहाँ पे आएंगे, 2 पे आएंगे, ये 5 और ये 5, 10 मिनट्स। ओके, सो ये आपको कंप्लीट करना है। देन नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेस द टाइम इन 2 वेज, ये टाइम आपको 2 वेज में एक्सप्रेस करना है, जैसे हमने ऊपर ही किया है ना। पहले हम ये टाइम नंबर्स में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 के आगे है तो 3 आवर आपको लिखना है, बाद में कोलन देना है। अब हमें मिनट्स की काउंटिंग करनी है। ओके, तो ये 5 मिनट्स, 12 से हम क्या करते हैं, मिनट्स की काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितने मिनट्स होते हैं, 5, 5, 10, 15, 20, 25, कितने मिनट्स हुए हैं, 3:25, तो आपको 3:25 ऐसा लिखना है। देन यहाँ पे देखो आवर हैंड 8 के आगे है तो 8 आवर्स हुए हैं, 8 बजे है। ओके, सो कितने मिनट्स हुए हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 मिनट्स हुए हैं, तो आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है, 8:40। देन यहाँ पे 7 के आगे तो आप 7 लिख दो, कोलन दे दो, मिनट्स कितने हुए हैं, 45 मिनट्स हुए हैं। यहाँ तक हाफ मीन्स 30 मिनट्स, देन 35, 40 and 45। ओके, देन नेक्स्ट 11 बजे हुए हैं तो आपको यहाँ पे 11 लिखना है। 12 से मिनट्स काउंट करते हैं, सिर्फ 5 मिनट्स हुए हैं, तो आप ये 5 ऐसा लिखोगे क्या, नहीं, 0:05 आपको लिखना है, 11:05। ओके, ये हमने एक टाइप से लिख दिया। अब सेकेंड वे क्या है, वर्ड का सेकेंड वे। ओके, सो 3:25 हुए हैं, हो गए हैं, तो मैंने क्या बोला आपको, पास्ट लिखने को बोला है। कितने मिनट्स पास्ट हो गए, 25 मिनट्स पास्ट हो गए, सो 25 मिनट्स पास्ट 3 ऐसा आप लिख सकते हो, 25 मिनट्स पास्ट 3, 3:25 हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे आप कैसे लिखते हो, 40 मिनट पास हो गए हैं 8 बज के, तो आप ऐसे लिख दो, 40 मिनट्स पास्ट 8। यहाँ पे 45 मिनट्स है तो आप क्या लिखोगे, 45 मिनट्स पास्ट 7। यहाँ पे 5 मिनट्स हो चुके हैं तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, 5 मिनट्स पास्ट 11। ओके, तो ऐसे आप लिख सकते हो। या अगर 15 मिनट्स का हो तो आप 15 मिनट्स का कैसा लिखना है मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। लेकिन ये मिनट्स में अगर लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हो, कितने मिनट्स हुए हैं उसके बाद पास लगा दो, और जितने आवर हुए उतने लिखने हैं, ठीक है। 25 मिनट्स पास 3, 40 मिनट्स पास 8, 45 मिनट्स पास 7 एंड 5 मिनट्स पास 11। ओके, समझ में आए, ठीक है। सो अब देखो एक्सरसाइज में आगे क्या दिया है, क्रॉस आउट द इनकरेक्ट टाइम टेकन टू ईट अ सैंडविच, टू बेक अ केक,
टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज। अब देखो सैंडविच खाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे क्या, नहीं, या 10 मिनट्स लगेंगे, यस सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे। तो जो रॉन्ग है वो टाइम को हमें क्रॉस कर देना है। टू बेक अ केक, केक बेक करने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे, 5 मिनट्स में केक बेक हो जाता है क्या, नहीं, मतलब ये रॉन्ग है, एटलीस्ट 45 मिनट्स तो केक बेक करने के लिए लगते ही लगते हैं, है ना। देन नेक्स्ट, टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, ब्रिज बनाने के लिए 2 आवर्स में ब्रिज बन जाता है क्या, नहीं, 2 आवर्स में नहीं बनता है, एटलीस्ट 1 ईयर लगता है, तो 2 आवर्स रॉन्ग है, तो इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। चलो आज के लिए आप इतना ही करो प्रॉपरली, और क्या करो, ये क्लॉक जो है आपके नोटबुक में भी ड्रॉ करो, और वहाँ पे आपको ये जो हैंड्स है वो उनकी ड्राइंग करनी है, ठीक है। आप अलग अलग टाइमिंग भी इसमें कर सकते हो, ओके। और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं, साथ में आपको ये पेज भी प्रॉपरली फिलअप करना है। बाकी की एक्सरसाइज अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।